पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस मामले से जुड़े अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नौकरी भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने टीएमसी नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार किया। कुंतल घोष पर आरोप है कि उन्होंने 325 लोगों से शिक्षक की नौकरी देने के नाम पर 19 करोड़ रुपए हड़पे थे। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में फंसे टीएमसी के युवा नेता कुंतल घोष से ईडी लगातार सवालों को लेकर पूछताछ कर रही थी, जिसमें ईडी का कहना है कि पूछताछ में कुंतल घोष उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद टीएमसी नेता को कोलकाता में चिनार पार्क स्थित उनके फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला? पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला साल 2014 से जुड़ा मामला है, जहां पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की ओर से शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी, उस वक्त शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी थे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को कम नंबर मिले थे उन्हें मेरिट में ऊपर स्थान दिया गया। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका में ये भी कहा गया कि मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम नहीं था उन्हें भी नौकरी दी गई। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने एक्शन लेते हुए उस वक्त शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। इससे एक दिन पहले ही उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी रेड के दौरान ईडी को 20 करोड़ रुपए नकद मिले थे। टीएमसी नेता ने लिया था कुंतल घोष का नाम। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई की ओर से बुलाए गए टीएमसी नेता तापस मंडल ने सीबीआई के सामने कुंतल घोष का नाम लिया था। टीएमसी नेता तापस मंडल ने कोलकाता में सीबीआई को बताया था कि शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी देने के नाम पर कुंतल घोष ने लोगों से पैसे लिए थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के लिए ईडी लगातार इससे जुड़े लोगों पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। पिछले कई महीनों से ईडी इस मामले से जुड़े लोगों से शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित सवालों को लेकर पूछताछ कर रही है। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और राज्य शिक्षा विभाग से जुड़े कई अधिकारियों को इस घोटाले से जुड़े होने की वजह से अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी भी ईडी के शिकंजे में आ चुकी है। कोलकाता से पंजाब केसरी के लिए उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।